हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ये सर्कल शेप में डोर मैट। और देखिए कितना प्यारे डिज़ाइन मैंने यहाँ पर इस पर क्रिएट की है और इसे बनाना भी उतना ही ईजी। इसे मैंने ऊल से बनाए हैं। अगर आपको सफ़ेद ऊल ज़्यादा मैला होता है या नहीं चाहिए तो आप इसे दूसरे कलर से भी रिप्लेस कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम तीन बंडल लेंगे और इसे तीन ही धागों को हम एक साथ जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर मैंने 10 नंबर की स्टिक ली है और उसे अब हम कुछ इस तरह से नॉट लगा लेंगे। और जो कि हम डोर मैट बनाते समय स्टार्टिंग के नॉट लगाते हैं, कुछ उसी तरह से हम इसे लगाना शुरू कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें नॉट लगाने हैं। यहाँ पर मैंने 13 नॉट लिए हैं, तो 30 नॉट का ये पायदान है। आप चाहो तो 3 नॉट से बढ़ा सकते हो, यानी कि 36 या 39 ऐसे भी आप नॉट लगा लें। तो यहाँ पर मैंने 30 नॉट कंप्लीट कर लिए। दूसरी स्टिक को अंदर की तरफ डालते हुए और कुछ इस तरह से इसे बाहर निकालेंगे धागे को लपेटते हुए। देखिए वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ये जो भी 6 नॉट होते हैं, कुछ इसी तरह से हमें पूरे डोर मैट की बुनाई करनी होती है। तो कुछ इस तरह से ये हमें बुनना है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक इसे बुन लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया, ये देखिए कुछ कंप्लीट होने के बाद ऐसे दिखाई देता है। और फिर से हम आप स्टिक को पलटते हैं और फिर से हम इधर से नॉट लगाना शुरू करेंगे। जैसे कि बेसिक से नॉट होते कुछ उसी तरह से हम इसे अब बुनाई करेंगे इसकी। तो ये देखिए फिर से घुमाते हुए मैंने इसे बुनना शुरू किया है और अब हम ऊपर की तरफ इसे बुन लेंगे। तो कुछ यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ बुन लेती हूँ यहाँ तक। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। और फिर से हम पलटते हुए यहाँ तक बुनेंगे नीचे तक। और जो कि सर्कल शेप का डोरमेट जब भी हम बनाते हैं तो एक बेसिक सा रूल्स होता है कि हम नीचे से 3 धागे छोड़ दें, 3 नॉट छोड़ दें। यहाँ तक देखिए मैंने नीचे से 3 नॉट छोड़ते हुए ये इसे धागे को अगली बार पलट लिया है। इसी तरह से हम ऐसे ही करेंगे कि ये 3 छोड़ेंगे, ये 3 छोड़ेंगे, प्लस में और 3 छोड़ेंगे, यानी कि अगली बार जब भी हम नीचे तक बुनाई करेंगे तो 6 नॉट छोड़ देंगे। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 3 नॉट छोड़कर मैंने यहाँ पर बुन लिया है। और इसी तरह से हम 3 नॉट्स छोड़ते हुए आगे की तरफ बुन लेंगे। तो आगे मैं 6 नॉट छोड़ेंगे, यानी कि पहले 3 और फिर से 3, 6 हो जाएंगे। तो कुछ हर बारी जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो 3 नॉट छोड़ते हुए जाना है, जब तक कि हम स्टिक में से पूरे नॉट छोड़ते नहीं। तो कुछ इस तरह का हमें देखिए बुनते हुए चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम बुन लेंगे इसे 3 नॉट छोड़ और फिर कुछ इसी तरह से हम आगे से बुनते हुए चले जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे बुन लिया है ना, बहुत ही सिंपल। और अब मैंने यहाँ पर जो वूलन मेकिंग की जो स्टिक होती है वो ली है, ये आसानी से मिल जाएगी आपको मार्केट में। और ये कुछ अलग यानी कि ग्रीन कलर का ऊल लिया है, कुछ इस तरह से इसे नॉट लगा लेंगे और इसे यहाँ पर आप फिक्स कर लेंगे। तो देखिए डोर मैट को हम लेंगे और यहाँ पर इसे फिक्स कर लेंगे नॉट को, ऊल को यहाँ पर फिक्स कर लेना है हमें पीछे की तरफ डालते हुए। और पीछे से हम धागा आगे की तरफ निकालेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और अब यह फिक्स हो चुके, फिर से धागे को हम लपेटेंगे और फिर से आगे की इसमें डालेंगे और नीचे से भी धागा निकालेंगे, यानी कि हमारे स्टिक में अब 3 नॉट से। अब धागे को लेते हुए 2 नॉट छोड़ देंगे, बचे 2 फिर से छोड़ देंगे, यानी कि डबल क्रोशेट यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह हमें यहाँ पर 5 टाइम्स क्रिएट करना है डबल क्रोशेट। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे डबल क्रोशेट 5 टाइम्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना लिया और अब हम इस क्रोशेट को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि स्टार्टिंग में किया था। और फिर से एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पर
अब हम डोरमैट को नीचे की तरफ बुनते हुए जाएंगे। कुछ इस तरह से देखिए डोरमैट को लेना है और उसमें से धागा निकल के स्टिक में का धागा, फिर से स्टिक को धागा लपेटते हुए ये दोनों नॉट भी छोड़ देने, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमें नीचे की तरफ बुनते हुए जाना है। आप चाहो तो एंड तक भी जा सकते हो, बिल्कुल ही आपकी चॉइस है। मैंने इसे थोड़ा हाफ में ही बुन लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे बुनते हुए नीचे की तरफ जाना है ना, बहुत ही आसान इसे बुनना। तो इसी तरह से हम अब हम इसे बुन लेते हैं। मैं इसे बुन लेती हूँ नीचे तक। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बुन लिया। अब यहाँ पर मैं धागा यहाँ पर कट कर लेती हूँ। आप चाहो तो एंड तक भी इसे बुन सकते हो। और यहाँ पर ये धागे को हम फिक्स कर लेंगे ताकि ये छूटे ना, और नीचे से स्टिक डालते हुए धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे। धागे को हम पीछे की तरफ खींच लेंगे और कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ही मैं आगे भी डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो हमारा डोरमैट बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से।